जैसे कई बच्चे बोलते सर जैसे मेरा लेफ्ट पैर आ गया, अब मैं राइट पैर से जंप करता हूँ, तो सर मेरा लेफ्ट आ रहा है दौड़ के जा रहे हैं तो ऐसे करें, तो आपको क्या करना है? सीधी सी बात, आपको खड़ा हो जाना है ऐसे, जहाँ पे आपने लाइन लगाई है दोनों लाइन लगाई है, पहले क्या करना है ऐसे एक लाइन लगानी है, ठीक है, उसके 10-1 कदम आगे एक लाइन ऐसे और लगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा पैर यहाँ पे आए, सब यही करें कि भाई जितनी पास से कूदेंगे उतना ही जंप आगे बढ़ेगा, जिस जो बाउंड्री पे रहते हैं 12:30 आते हैं, ऐसी स्पीड रख के जंप करना है, चाहे वही आएंगे, चल भाई दोस्तों। अभी 14 तारीख से दिल्ली पुलिस ड्राइवर के फिजिकल है और लगभग सभी बच्चे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले ही फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और मेनली सबसे बड़ी समस्या क्या है, लॉन्ग जंप। देखो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले बेसिक से बताया, फिर मैंने आपको स्टेप के बारे में बताया, फिर मैंने एक्सरसाइज की वीडियो भी डाली कि कैसे इम्प्रूव करना है, और फिर जो छोटे बड़े स्टेप करते थे उनके लिए क्या उपाय है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ आपको आउट के लिए बता दूंगा, और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जैसे कई बच्चे का जंप क्लियर हो जाता है, स्टेप छोटे बड़े कर देते हैं, उसका मैं एक बार दोबारा फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ उन बच्चों को बुलाऊंगा, मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा आज, मैं बच्चों के थ्रू ही तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं करता हूं तो तुम कहते हो सर आप तो प्रोफेशनल हो वैसे भी कर लोगे, तो बच्चों के थ्रू तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इन चीज़ों से फर्क दिख रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो एक एक बच्चे को, जिस बच्चे का फाउल था और जंप 13 फीट तक क्लियर था, वो बच्चा खड़ा हो जाओ, कोई भी एक बच्चा खड़ा। देखो पहले मैं इस बच्चे को भेज रहा हूँ, देखो मैंने सबसे पहले वीडियो में क्या बताया था जंप के लिए, जब भी आप लॉन्ग जंप करते हो, आ गया भाई, जब भी आप लॉन्ग जंप करते हो, मैंने क्या कहा था, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ पे आप मार करके आओगे, पीछे होता थोड़ा सा सबको दिखा दीजिए, बोला था मैंने मार करके आओगे, पहले वीडियो में यही बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उससे 10-1 कदम आगे नॉर्मल 10 कदम नाप लो, आगे एक लाइन और लगा लो, उस लाइन से आपको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है। तो आप वहाँ पे जाओगे पीछे जहाँ से आप रन अप स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक लाइन लगानी है, ठीक है, उसके 10-1 कदम आगे एक लाइन ऐसे और लगा, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया नॉर्मल 10 कदम तक दौड़ी गई, जहाँ से आपको स्पीड फुल कर देनी है और यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा निकल जाना है आपको, ठीक है, तेरे को सीधा निकल जाना, जंप नहीं करना, और इस लाइन को फोकस मत करना, स्टेप पे तुम्हारा क्या काम है, तो जितने बच्चे बैठे हो आपको सिर्फ इसके कदम पैरों की साइड नजर रखनी है, आप छोटे बड़े कर रहे हैं नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद एक चीज, जंप का पता है कौन से पैर से जंप करता है, इस पैर से, लेफ्ट पे, तो आपको ये ध्यान रखना है इस लाइन के पास यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, ठीक है, आपको इसके स्टेप देखने यहाँ पे कौन सा स्टेप आया, यहाँ आया तो कौन सा पैर आया, सिर्फ ये फोकस करना है, ठीक है। आप पीछे चला था, देखो इससे आपको स्टेप रोकना फाउल रोकना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक चीज़ का और हो जाएगा, स्टेप काउंट करके आप कहीं भी जाओ, अपना मार्क किया, अपने मेजर की स्टेप और वो मेजर करके वहाँ से हमेशा जंप करो, कभी भी आपका फाउल नहीं आएगा। पैर पे फोकस रखना है सबको, जहाँ पे कौन सा पैर आ रहा है उसका, रेडी
अब ये पैर तेरा लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है सबको। अब ये लाइन से कितना आ गया देखो, इधर ध्यान दे, एक पैर और आधा पैर, मेजर कर एक बार, एक पैर और आधा, आगे एक पैर और लेके जा, अरे ये पैर यही रखना, ये पैर आगे लेके चला जाए ऐसे, ठीक है, आधा पैर है। अब तेरे को क्या करना है, वही से दो स्टेप ऐसे ही, दो स्टेप पीछे कर देना दोनों लाइन, हाँ चल, और पीछे करने के बाद ऐसे ही तेज तोड़ के आएगा, स्टेप मत तोड़, इसकी साइड मत दे, स्टेप मत तोड़, अगर स्टेप तोड़ेगा तो फाउल नहीं रुकेगा, फिर उसके लिए दूसरा इलाज है, पहले मैं जो मेन होता है वो बता रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं स्टेप तोड़ रहे हो लाइन की साइड देख के, फिर मैं दूसरा चीज़ बताऊँगा फिर आपको, ठीक है, दोनों में से देखते हैं कौन से भी कारगर साबित होता है इसके लिए। हाँ भाई, दोनों जगह लगा लिया निशान, वही से आप करेगा, स्पीड पूरी रखेगा, ठीक है, और सीधा निकल, पैर की साइड ध्यान, तेरा काम नहीं देना, ध्यान इनका है, मेरे को सीधा निकलना है तेज, चल भाई दौड़ के आ जा। अब इधर ध्यान दो, पैर उस साइड किए थे आगे या इस साइड किए थे आगे, पिछली साइड, पिछली साइड आगे के, अब इधर ध्यान देना ना, क्या कह रहे हैं, साइड हो जा, एक स्टेप से दौड़ ही नहीं रहा है, पहले ये पैर आया था, लेफ्ट पैर था, अब की बार यही पैर आया, लेफ्ट पैर था, आगे गए ना, स्टेप बड़बड़ कर रहा है, स्टेप तोड़ रहा है ना, तभी तो आगे गया, अगर हमने पीछे किया है उसी स्टेप से तोड़ रहा है तो पैर कहाँ आने चाहिए थे, पीछे आने चाहिए थे, नेक्स्ट कोई बंदा दूसरा मेरा कोई भी बंदा इसका फाउल आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टेप तोड़ रहे हो तो ये इंफीरियस हो तेरे लिए, भाई दूसरी चीज बताऊंगा, स्टेप तोड़ने ये जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक फाउल नहीं रुकेगा, तेज दौड़ के आना है, देखो मैं एक बार दौड़ के दिखा देता हूँ दौड़ना कैसे, तुम लाइन की साइड पे इसकी साइड फोकस नहीं करना, तुम इसकी साइड फोकस करते हो जब दौड़ते हो, तो इसकी साइड फोकस करोगे तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, समझ गए, चल भाई ये चला दे सारा स्पीड से लेफ्ट, ये ना लेफ्ट, लेफ्ट से जंप करता है, वापस चला जा, वहीं से आना और जंप करना, ठीक है, देखो इतना गैप होना भी चाहिए जब आप देखते हो, ठीक है, अब जंप करेगा, जब गैप थोड़ा सा अगर पीछे आता है तो हल्का सा वहां से आगे जाते, जब स्पीड लेके आएगा, अभी तो वो स्पीड लेके आ रहा था, अभी उसको जंप नहीं कर रहा, कई बार क्या करते हैं जब वहां से जंप करना होता है स्पीड लेके आते हैं तो स्टेप कई बार थोड़े छोटे हो जाते हैं, बड़े करेगा तो यहाँ आ जाएगा और छोटे करेगा थोड़ा पीछे चले जाएगा, तो वो चीज बाद में ध्यान रखना है, ठीक है, चलो ऐसे ही ऐसी स्पीड रख के जंप करना है, स्टेप वही आएंगे, चल भाई इसका जंप नहीं रुक रहा था, अब तेरे को क्या कोशिश करनी है, वहां से तोड़ के आएगा तेज, सुना देना भाई, सिर्फ माइंड में बनाना तेरे को, वहां से तोड़ के आएगा, मैं एक फुट पीछे नहीं लगा रहा हूँ, तेरे को कोशिश करनी है वहां से जंप करने की, ठीक है, इस लाइन को नहीं जंप करेगा आपकी बार तू, और यहां से कोशिश करेगा, फिर देखते हैं, चल स्पीड पूरी लेनी है, कभी लाइन की साइड देखे, बस एक फुट पीछे वाली लाइन पे ध्यान रखना, ये है तेरी
वो टेक ऑफ लाइन। भाई से मिले जाओ, तेरे लिए बैटरी नहीं करती वो लाइन, बैटरी कर कर मन करे वहां से स्टार्ट कर ला, क्योंकि वो स्टैप वाले के लिए मैटर करती है। चल भाई शाबाश, आपसे कोई गलत दो। फाउल का कहा था, फाउल रुका, पैर यहाँ पे आया, फाउल नहीं हुआ ना, तो यही चीज है। जो बंदा स्टेप गड़बड़ करेगा उसका फाउल करो बढ़ेगा, यही तरीका है। या तो आप एक स्टेप से आओ जो इस लड़के ने करके दिखाया, या फिर आप आओ, क्या करना है आपको, टेक ऑफ लाइन है वहां से एक फुट पीछे, पहले आपको ये आदत बनानी है कैसे, वहां पे लाइन लगानी नहीं देंगे, लाइन लगानी नहीं देंगे, आपको आदत लगानी घर पे, ऐसे एक फुट नाप लो और मार कर लो, ठीक है। उसके बाद आप आओ और फिर जंप करो, वापिस चला जाओ, फिर जंप करेगा। उसका चला जाए तो हो जाएगा बराबर, ठीक है तू चला जा। ऐसे ही ये लाइन है तेरी, ठीक है, और जंप करना है। चल भाई क्लैप किया करो, मैं दौड़ भाई आप रेडी, चल शाबाश, चल बढ़िया शाबाश। पहली बार भी वही आया, दूसरी बार भी वही आया, फाउल नहीं हुआ। एक बार में तुक्का लग सकता है, बार बार तुक्का थोड़ी लग सकता है, नहीं लग सकता ना। अब ये मैं बताता हूँ ये क्यों होता है, जो स्टेप गड़बड़ करते हैं जिन बच्चों का फाउल, देख लिया भाई जंप देख लिया आ गए ना, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ ये क्यों होता है, सबसे बड़ा रीजन, अब खड़े होकर अगर पीछे वाले आना चाहो तो आगे आ जाओ। देखो सबसे बड़ी चीज, जब हम जंप करते हैं, जो बच्चा फाउल कर रहे हैं, जो बच्चा फाउल कर रहा है, जैसे ये लड़का बार बार कर रहा था और मैंने ये लाइन लगाई, इससे इसका जंप कैसे रुका, हम देख बताता हूँ। जिन बच्चों का जंप 12-12.5 आता है, तो बच्चा क्या करता है, स्पीड जब लेके आता है ना, तो कोशिश करता है हमारा पैर यहाँ पे आए, सब यही करेंगे भाई जितनी पास से कूदेंगे उतना ही जंप आगे बढ़ेगा, जो बाउंड्री पे रहते हैं 12.5-12 आते हैं। और जिन बच्चों का जंप आता है 13-13.5, तो वो कोशिश क्या करता है, भाई थोड़ा सा पीछे से भी जंप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा भाई हमारा तो आराम से, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मेंटली प्रेशर नहीं रहता। और जो 12-12.5 करते हैं उसके ऊपर रहता है मेंटली प्रेशर, तो वो क्या करता है, यहाँ से पास करने की कोशिश करता है, तो दौड़ के तो आएगा, वो दौड़ के आया, पैर तो हमारे ये चलते हैं ना, ये तो ये चलते आया, तो ये जैसे ही ये पैर उठा तो बॉडी ये जाएगी यहाँ से, तो उसको दिख गया ये पैर उठने के बाद कि यहाँ पे ये जाएगा, जैसे ये बॉडी आगे मोशन में रहती है तो आगे आती है, तो ये पैर दिखता नहीं है, ये यहाँ के चक्कर में ये यहाँ पहुँच जाती है और वो फाउल हो जाती है। और मैंने ये इसलिए बताया, यहाँ से दौड़ के आ रहा है तो अब ये कोशिश तो यही करता, मैंने क्या बताया इस लाइन को फोकस करना है तेरे को, यही बताया ना इस लाइन को फोकस करना है, इसने फोकस तो इसी को किया बट पैर अभी फाउल आ रहा था क्योंकि फाउल इसका रुक ही नहीं रहा था, तो दौड़ के आया ये, तो इसने फोकस इसको किया, इसकी बॉडी निकल गई, पैर आगे गया तो कितना जाएगा, आधा पैर जा रहा था कितना गया, पूरा पैर भी गया तो कितना गया, एक फुट गया, लाइन बच गई ना, फाउल नहीं हुआ, क्लियर हो गए। तो यही चीजें हैं स्टेप और फाउल की। स्टेप का आप पूछ रहे थे ना बार बार, स्टेप कैसे, स्टेप का समझ आ गया, पहले आपको सभी को क्या करना है, सभी को बता रहा हूँ मैं, जब भी आप फ्री हो या पहले आ गए जो भी करो, वहाँ पे आप मार करो, मार कर लिया, अगर उसके 5-7 कदम आगे एक और मार कर लो, एक ये कर लिया, ठीक है। जैसे आप ये चल रहे हो, ये पैर आगे है मेरा लेफ्ट, ज़्यादातर यही होता है, जो पैर आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो आगे लेके चलते हैं, कहीं कहते हैं यहाँ से स्टेप काउंट कर दिया, वो मत करो मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखो, ये कर लिया, यहाँ से आप दौड़ गए, यहाँ से आपको 8-7 कदम आए, यहाँ से आपको यही पैर आया, कोई ये पैर आया, कोई भी आया, यहाँ से आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड फुल पूरी जितनी फुल कर सकते हो, पावर लगा सकते हो, सीधी आओ और यहाँ से सीधे निकल जाओ, एक बंदे को खड़ा रखो, उससे पूछो भाई मेरा पैर कहाँ पे आ रहा है, पैर यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आपका पैर यहाँ पे आ गया, एक पैर यहाँ आ गया, तो आपको क्या करना है, जो लाइन है ना यहाँ आया तो आपको कितनी, एक और डेढ़ हो गया, 2 फीट पीछे कर दो, 2 कदम यहाँ से, 1-2 ये कर दिए, और यहाँ से 1-2 क्या कर दिए, और यहाँ से जैसे पैर लेके चले थे वही लेके चले, ठीक है।
अगर हमारा फाउल आगे चला गया पैर तो हमने क्या किया, पीछे कर दिया। अगर हमारा ये पैर यहाँ रह गया तो हमें वहां से आगे करना है। समझ आ गया, क्लियर हो गया ना? ये चीजें आपको कब करनी है, पहले जंप नहीं करना है, पहले आपको सीधा निकलना है, स्प्रिंट की तरह तेज दौड़ के निकलना है। उससे क्या होगा, एक तो आपका ड्रिल खत्म हो जाएगा, दूसरा कई बच्चों को मैं बोलता हूँ स्पीड बढ़ा, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। वहां से आपको पता लग गया मेरे को इतना हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, जब ये चीज आपका फाउल रुक गया ना तो उसके बाद क्या, जहाँ पे भी आपने मार किया है आप ऐसे स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको मेजर कर लेना, ये लाइन भी मेजर कर लेनी, ये लाइन भी। वहां पे आप जाते हो, कई बच्चे बोलते हैं सर वहां पे मेजर करने देंगे या नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, साइड में से चले जाओ, ये 1 2 3 4 5 साइड से मेजर कर लो आराम से, कोई मना नहीं। एक लड़के का और डाउट हो रहा था, क्या सर वहाँ फट्टा मिलेगा, उसे कैसे करेंगे? ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये लाइन हो गई ठीक है, आपको फट्टा कितना मिलेगा, कितना मान के चलो, ये आपको फट्टा मिलेगा इतना, टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है, लाइन से पहले ये रहेगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल का, ठीक है। दूसरा बात, ये रहेगा व्हाइट कलर का, ठीक है, इसके आगे चुना रहेगा, समझ गए, बिल्कुल इस लेवल में मिलेगा। अब जिन बच्चों का फाउल आ रहा था उनके लिए सबसे बढ़िया काम हो गया, जिन बच्चों का जैसे टो टच हो रहा था या वो कुछ भी हो रहा था उनके लिए बढ़िया काम क्या होगा, उन बच्चों को कोशिश क्या करनी है, इस टेक ऑफ बोर्ड से पीछे से जंप करने की कोशिश, ठीक है, इस टेक ऑफ बोर्ड से पीछे से जंप करने की कोशिश कर, वो वही बात हो जाएगी, फिर फट्टे में पैर आएगा, फट्टे बाउंस देगा आपकी बॉडी को, बाउंस दोगे तो जंप आराम से आ जाए, लकड़ी का, ठीक है। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जब भी आप लॉन्ग जंप करते हो ना तो कोशिश करो नंगे पैर जंप करने की। बहुत बच्चे पूछते हैं सर जूते में अच्छी आती है नंगे पैर आती है, मेरे पास कमेंट भी आ रहा है सर लॉन्ग जंप हम कैसे करें, जूते में करें या नंगे पैर करें, ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चा वीडियो देख रहा है जैसे भी है, तो जो अगर आप लॉन्ग जंप करते हो तो आप लॉन्ग जंप नंगे पैर करें, उसे क्या फ़ायदा हो जाएगा, नंगे पैर ना आपके पैर अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं। दूसरा, जूते कई होगी जूते ऐसे रहते हैं, रनिंग वाले होते भी नहीं, ग्रिप नहीं होती उसमें, तो पैर स्लिप करते हैं, फोर्स पूरा नहीं लग पाता, और नंगे पैर आओगे ना तो पूरा फोर्स लगता है, ठीक है, और सिर्फ पैर को पंजे को ही मोड़ना पड़ेगा। तो नंगे पैर जंप करो, पैर फट्टे पे आएगा, जंप ऊंचा जाएगा आराम से, फट्टे पे फाउल नहीं है, फट्टे से आगे जो चुना को टच करेगा तो फाउल आएगा, ठीक है। एक चीज और, अब मैंने बता दिया यहाँ पे भाई ये आ गया आगे चला गया, एक चीज और रह गया फाउल से रिलेटेड, जैसे ही मैं बताना भूल गया अब बता रहा हूँ, जैसे कई बच्चे बोलते सर जैसे मेरा लेफ्ट पैर आ गया अब मैं राइट पैर से जंप करता हूँ, तो सर मेरा लेफ्ट आ रहा है दौड़ के जा रहे हैं तो कैसे करें, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात, आपको खड़ा हो जाना है ऐसे जहाँ पे आपने लाइन लगाई है, दोनों लाइन लगाई है, तो क्या करना है आपको, ऐसे खड़े हो गए तो खड़ा होकर जंप करके ये जंप करना है, जैसे ये लाइन लगाई थी मैंने दो, ठीक है, तो इस लाइन पर खड़े होकर पीछे वाली लाइन पर जहाँ से आपने स्टार्ट किया है पीछे वाली लाइन पर खड़े होकर और ये जंप कर जाइए, इतना आपको फिर वह लाइन लगा देनी है और इतना ही आपको दूसरे वाली लाइन के पीछे करना है। समझ आ गया ये चीज़, डाउट क्लियर होगा नहीं ये पीछे, अगर यहाँ पे हमारा लेफ्ट पैर, अगर मैं मेरा लेफ्ट पैर आ रहा है मैं राइट से जंप करता हूँ तो आपको एक कदम ऐसे बढ़ाना है, एक कदम ऐसे नहीं बढ़ाना, तभी आप ये बढ़ा दो इतना ही खुलता है, जब रनिंग करते हैं ना तो पैर ज़्यादा खुलते हैं, तो आपको कोशिश करना है ये इतने पैर दोनों लाइन, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप में कोई फाउल से रिलेटेड कोई डाउट है तो अभी बताओ, कोई डाउट है किसी का, सारी चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ फॉलो करो, ये चीज़ फॉलो करोगे मैं कह रहा हूँ, और मैंने रिजल्ट भी दिया है और तुम्हारे सामने करके भी दिखा दिया है। देखो मैंने तो नहीं किया, मेरी तो आप बोल सकते थे ये लड़का तो फाउल कर रहा था, दोनों बार फाउल किया इसने, तुम्हारे सामने पैर बनवाया तब नहीं आया, अब मैंने ये लाइन का बताया तब फाउल रुक गए ना, अभी तीनों जंप की थी ना आज, तीनों फाउल थी ना, और अब ये की नहीं आया ना फाउल, तो ये चीज का हाँ नहीं फोकस नहीं, देखो मैं बताता हूँ, ये कह रहा है कि जिसके स्टेप छोटे बड़े होते हैं
तो वो इस लाइन को फोकस करके दौड़े, नहीं देखो मैं वहां से आपने स्टार्ट किया, आए आगे वाली लाइन पे, पहले नॉर्मल स्टार्ट किया 7-8 कदम, फिर स्पीड बढ़ाते हो तब आपको एक और लाइन को देखना है, फिर आपको 2-3 कदम पीछे रह जाते हो ना तब आपको फट्टे पे फोकस करना है, 2-3 कदम जैसे यहाँ रह गए आप, एक बार फट्टे को देखना है, फिर देख के आपको छोटे करने पड़े तो इस फट्टे पर पैर रखे, फिर स्टेप गड़बड़ने थोड़े से, लॉन्ग जंप में मैंने इतनी बार बोल रखा है कि लॉन्ग जंप में जब आप दौड़ते हो तो स्टेप बड़े मत करो, स्टेप को छोटे रखो। आज चमकी थी, आज कदम लंबे लेके दौड़ रहा था, जब छोटे कदम लेके दौड़ा था जंप में फर्क आया, वही बात है, स्टेप आप छोटे लेके दौड़ोगे ना तो फाउल भी रुकेगा और आपकी जंप भी अच्छी आएगी, स्पीड बनती है छोटे कदम से, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे ना अच्छा करके दिखाओगे, कोई डाउट? थैंक यू।